हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? और हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है 7 फरवरी उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और एक एक लाइन को ध्यान से देखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई थी? सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर अबोलिशन ऑफ डायाकी इन द प्रोविंसेस, एडॉप्शन ऑफ डायाकी एट द सेंटर। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग से है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए थे और उसके बाद आपका रिजर्व बैंक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ 1935 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं हम लोग। इसमें डायाकी का जो कंसेप्ट है वो अडॉप्ट किया गया था प्रोविंसेस में, अडॉप्शन हुई थी प्रोविंसेस में और नेक्स्ट एक्ट के थ्रू इसको एबॉलिश कर दिया गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को और ये ध्यान से देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविंसेस में अडॉप्शन नहीं की थी, एबॉलिशन की थी। किसकी? डायाकी की। और अडॉप्शन कहाँ पे की थी? सेंटर में। और यहाँ पे आपको प्रोविंसेस में हमने क्या चीज़ दी है? प्रोविंशियल अटोनमी, प्रोविंशियल अटोनमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर, कि हमने स्टेट्स को जो हमारी प्रोविंसेस थी उसमें प्रोविंशियल अटोनमी मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ पेयर इज आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो ध्यान से जो देखना है, ये वर्ड जो है इनकरेक्टली मैच्ड है। क्या है? इनकरेक्टली मैच्ड। चलिए देखते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, लीगलाइजेशन ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1913, इसमें क्या किया है? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। इसमें पूछा गया है इनकरेक्टली मैच्ड, ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्टली मैच्ड हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है इसकी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों, इसमें लिखा गया है इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द नॉमिनल हेड, नॉट द रियल हेड, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, वाइल द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज द रियल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। अब आइए देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट थोड़ी सी, ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। क्यों गलत है? जो 1947 का जो एक्ट था उसने SOS, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का जो चार्ज था, जो भी उसकी फंक्शनिंग थी, वो किसको ट्रांसफर की थी? वो ट्रांसफर की थी SOS ऑफ कॉमनवेल्थ। किसको की थी? कॉमनवेल्थ को। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नर जनरल को नहीं की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने आंसर को सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 ओनली, स्टेटमेंट 1 ओनली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 0R। तो 0R क्या किसको कहते हैं? स्टेटमेंट नंबर 1,
द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज कॉल्ड 0 आवर। ये सही है या गलत, ये हम देखेंगे अभी। सही है या गलत, हम लोग ध्यान से देखेंगे इसको। इट इज नॉट मैंशनड इन द रूल्स एंड ऑफ प्रोसीजर, ये इसमें मैंशनड है या नहीं है जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं। इट इज एन इंडियन इनोवेशन। तो हमने 0 आवर को ध्यान से देखना है, क्या है ये पार्लियामेंट में हम लोग जब पढ़ते हैं चैप्टर उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो फर्स्ट आवर 0 आवर नहीं होता है। 0 आवर क्या होता है? फर्स्ट आवर सबसे पहले जो प्रोसीडिंग शुरू होती है वो होती है क्वेश्चन आवर से, ठीक है। उसके बाद एजेंडा ऑफ द डे, इसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम 0 आवर कहते हैं। और ये इंडियन इनोवेशन है और ये जो है आपकी रूल्स में भी मेंशन्ड नहीं है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो इनमें से देखते हैं कौन कौन से फीचर्स इंडिया की इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म में है। मेजॉरिटी रूल, यस करेक्ट, क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है ये हम मैं बताता हूँ आप लोगों को। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी गवर्नमेंट परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती है, उसको हम कभी भी गिरा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो किसी भी एक्ट के लिए, मतलब उनके अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? लोकसभा में। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। लोअर हाउस का एक जनरल सा टेन्योर होता है, नॉर्मल टेन्योर होता है, जो कि 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स है, ये फिक्स्ड नहीं होता है दोस्तों। फिक्स्ड टेन्योर नहीं है ये, फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, ठीक है दोस्तों। सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है और न्यू इलेक्शन के थ्रू दोबारा से लाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब मेजॉरिटी रूल ये करेक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये भी करेक्ट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करेक्ट है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे अपनी पोस्ट से, तो उसका जो कैबिनेट होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको सेपरेटली रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है डिजॉल्व हो जाता है। इसीलिए देखा होगा आपने जनरली न्यूज़ में कि प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ही मांगते हैं ज़्यादातर, वो सरकार गिर जाती है फिर अगर प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन दे दे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, प्रियम्बल है क्या चीज़। प्रियम्बल इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ठीक है दोस्तों। तो स्टेटमेंट नंबर 1, द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, इट इंक्लूडेड 3 new words, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड? 1976। और ये अमेंडमेंट कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट के अंदर हुआ था ये अमेंड, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट, अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 एज प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। देखिए 1973 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था, केशव नंद भारती केस। कौन सा केस है? केशव नंद भारती केस। इसको आपने अलग से एक पढ़ लेना है। केशव नंद भारती केस में एक कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि जो आपका प्रियम्बल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओनली वन, सेकेंड स्टेटमेंट
इसकी इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इसकी इनकरेक्ट है, ओनली वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन इंडियन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड। तो नंबर वन, बाय रजिस्ट्रेशन, जो रेगुलर प्रोसेस है एप्लीकेशन देके, बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन, ये तीनों ही है। ये न्यू टेरिटरी वाला आपको समझा देता हूँ मैं। न्यू टेरिटरी फॉर एग्जांपल, अगर कल को इंडिया किसी पीओके वाला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पीओके वाला एग्जांपल है, पीओके कल को इंडिया में, इंडिया उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, अपना कश्मीर जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जो वहाँ के लोग होंगे उसको, उन लोगों को ऑटोमेटिकली जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी, ठीक है। नेचुरलाइजेशन बाय बर्थ, ये बाय बर्थ है। और रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है कि आपको 10 ईयर का जो भी लॉ में लिखा गया है, 10 ईयर्स ऑफ रेजिडेंस परमानेंट, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट एक्शंस टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट है, स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी दे रहे हैं। तो फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 19 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज, आर्टिकल 19 है ये, इसमें स्टेट शैल से आता है, जो स्टार्टिंग है इसमें क्या लिखा होता है, स्टेट शैल, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट की है, तो ये आपको क्लियरली पता लग गया कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट देखिए, राइट टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 15 की लैंग्वेज है, और ये इसमें जो लिखा गया है, ये स्टेट्स प्लस इंडिविजुअल्स, ये दोनों पे लागू होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये गलत है, किस कंटेक्स्ट में, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट गलत है। द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून की प्रोटेक्शन, लॉ की प्रोटेक्शन और इक्वल प्रोटेक्शन। अब इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशंस, अब इक्वालिटी तो नहीं प्रिवेल कर रही है, इक्वालिटी तो नहीं है, इक्विटी दे रहा है लेकिन ये, ठीक है। अलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, तो हम लोग जो लोग प्रिविलेज हैं उनको कम, उन लोगों को कम एडवांटेजेस मिलती हैं सोसाइटी में, और जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ये जो है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारा स्टेटमेंट वन एंड थ्री ऑप्शन सी में आता है, तो आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किन किन चीज़ों को नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, किन किन चीज़ों को आपको इफेक्ट करती है। एक है फंडामेंटल राइट्स, लाइफ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, लाइफ ऑफ द स्टेट असेंबली। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आप अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी आपने, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि राज्यसभा जो है इसकी, ये परमानेंट हाउस है। ये स्टेटमेंट तो आपकी सीधी सीधी इनकरेक्ट हो गई। लोकसभा की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ना कि राज्यसभा। राज्यसभा जो है आपका परमानेंट हाउस है, इसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं होती है। अब आता है बात फंडामेंटल राइट्स की, इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं आपके, आर्टिकल 3, इसमें दो आर्टिकल्स हैं आपके, आर्टिकल 358 और 359। तो दोस्तों इनमें बेसिक डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 358 जो है, ये ऑटोमेटिकली आपका जब भी इम्पोज होता है, ये ऑटोमेटिकली जो प्रेसिडेंट को सेपरेट ऑर्डर नहीं मेंशन करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली किसको सस्पेंड करता है, आर्टिकल 19 जो कि आपका फ्रीडम से रिलेटेड है। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है,
आर्टिकल 358 के अंडर ये ऑटोमेटिकली आपका जो आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड हो जाता है। अब आती है बात आर्टिकल 359 की। अब 359 आर्टिकल में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जब भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करते हैं एक सेपरेट ऑर्डर लिखते हैं जिसमें लिखा गया होता है कि कौन कौन से फर्दर आपके जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उसकी रेमेडीज सस्पेंडेड रहेगी। मीन्स आप उसको उसको लागू करने के लिए कोर्ट्स की तरफ मूव नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके अगेंस्ट। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्ट इसमें भी एक एक्सेप्शन आर्टिकल 20, 21। ठीक है दोस्तों, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं आपके आर्टिकल्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसमें? इसका आंसर है आपका, ये स्टेटमेंट गलत है आपकी, 1, 3, 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमल्गेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस। रिसेस जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द सेम। नंबर वन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज पैरेलल टू द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव एंड कैन मॉडिफाई और रिपील एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखो दोस्तों, ऑर्डिनेंस हमारा अंडर आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है और ये एक्सरसाइज कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। एंड इट इज़ नॉट अ पैरेलल पावर। पैरेलल का मतलब होता है कि वाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन प्रेसिडेंट कैन नॉट लेजिस्लेट। ठीक है दोस्तों, ये पैरेलली लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं। या तो आपका प्रेसिडेंट, या तो आपका पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट लेजिस्लेट कर सकता है ऑर्डिनेंस के थ्रू। अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो प्रेसिडेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑर्डिनेंस। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है आपका, ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है बैक डेटेड, पुराने डेट का लॉ बना देना, विच मीन्स कि ये लागू जो होगा जनवरी 1 से होगा। आज अगर हम लोग आज की डेट में कोई कानून बनाता है, कोई ऑर्डिनेंस पास होता है और इसकी इम्पोजिशन या इन्फोर्समेंट होती है January 1, 2021 से, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कहा कहलाएगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन यस, अमेंड कर सकता है, कानून बना सकता है, रिपील कर सकता है किसी कानून को। रिपील करना मतलब हटा देना, ख़त्म कर देना, ये भी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते, बस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो आपका स्टेटमेंट जो 1 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पैरेलल पावर नहीं है, ये पैरेलल पावर नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो आंसर इसका है ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कितनी हेल्पफुल हो रही है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।